वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पीके वैद्य और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वैद्य जी का इलाज। आज मैं आपको गठिया रोग को कैसे ठीक करें और क्या है आयुर्वेदिक इलाज, गांठ के दर्द के लिए कौन सी औषधि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, ये सारी जानकारी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखते रहें पूरा और इसका लाभ प्राप्त करें। अगर आपको हमारे द्वारा कोई और औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीडांतक वटी के बारे में, जो पतंजलि का बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और ये पतंजलि कंपनी के द्वारा बनाया गया निरापद आयुर्वेदिक औषधि है। ये किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से दिया जा सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जैसा कि इसका नाम है पीडांतक वटी, जैसा कि आप देख रहे हैं पीडांतक वटी, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पीड़े जो शरीर में पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको हरण करने वाला है, पीड़ा को दूर करने वाला, अर्थात पीडांतक वटी। जो आपके शरीर में कहीं भी पेन बना हुआ है, दर्द है, तो उस दर्द को ये खींचने की काम करती है, दर्द को आपके शरीर में नहीं रहने देगा पीडांतक वटी। और इसके जो कंपोजिशन है बहुत ही लाजवाब कंपोजिशन है, शुद्ध गुग्गुल है और इसमें जो है गिलोय है, शिलाजीत है, कुचला है, हल्दी है, आमा हल्दी है और कुटकी है, सौंठ है, अजवाइन है और आपका ये जो सतावर होता है, ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के ये दवा बनाई गई है। तो इस दवा को आपको नियमित प्रयोग करना है सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपकी एक एक टेबलेट अगर लेते हैं भोजन के उपरांत, भोजन करने के आधे घंटे बाद इसको आप गुनगुने जल से सेवन करें या आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन गुनगुना जल इसके लिए ज़्यादा ठीक है। तो आप गुनगुने जल से ही प्रयोग करें और प्रयोग करने के दौरान एक बात का विशेष ध्यान दें कि आप जब भी ये दवा प्रयोग करें तो आप खटाई का प्रयोग ना करें, खट्टी चीज़ें आप अवॉइड करें। और इसका एक जेल भी आता है पीडांतक वटी का, तो आप ये दिव्य फार्मेसी का, पतंजलि का, तो इसे आप पीडांतक जो तेल आता है और जो जेल आता है लगाने के लिए, उसे भी आप क्या करेंगे कि उसे भी आप अपने जिस अंग में आपको ज़्यादा दर्द है, जैसे कि आपके घुटने में काफ़ी दर्द बना हुआ है, आप या आपके हाथों में, जोड़ों में कहीं भी पेन है या पीठ में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो वहाँ आप धीरे धीरे करके मालिश करेंगे तो तेल की मालिश से भी बहुत फ़ायदा आपको होगा। और ये दवा नियमित आप एक महीने तक प्रयोग कर लें, इसमें कोई किसी प्रकार की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई विशेष विचार विमर्श की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा देगा। और मैं अपने यहाँ जो हमारे यहाँ मरीज आते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ और जिन लोगों को भी दिया हूँ उनको बहुत गजब का फ़ायदा हुआ है और वो अब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आप भी पीडांतक वटी को प्रयोग करें, स्वस्थ रहें। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि आप पीडांतक वटी को कैसे आप देखेंगे, इसमें देख लीजिए कि ये पीडांतक वटी का कैप्सूल जो है ये 80 टेबलेट होती है और मात्र 90 रुपये में आपको ये मिलती है, तो बहुत सस्ती दवा है। और इसमें देखेंगे इस तरह के कैप्सूल होते हैं टेबलेट, बहुत आसानी से आप इसे पानी के साथ आसानी से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और किसी भी प्रकार का इसमें कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको किसी और प्रकार की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य से संपर्क कर लें, तब इस औषधि को लें। अगर आपको और कोई समस्या नहीं है, अगर आपको किसी दवा से साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस दवा को आप लगातार प्रयोग करके अपने पीड़ जो शरीर में आपके दर्द है, पेन है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था आज पीडांतक वटी के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेके मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, विश यू वेल्थ, मिलते हैं, थैंक यू।